अंजड़ पुलिस थाना अंजड़ के द्वारा आज सर्व समाज के प्रमुखों की बैठक नगर परिषद अंजड़ में रखी गई, जिसमें सभी समाज के गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। डीएसपी कुंदन सिंह मंडलोई ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर यह सर्वदलीय बैठक सर्व समाज की बैठक बुलाई गई है, जिसमें त्योहारों पर शांति बनी रहे, सद्भाव के साथ हम सब अपना त्योहार मनाएं, क्योंकि 3 मई की तारीख के रोज परशुराम जयंती का भी कार्यक्रम है, 3 तारीख को ईद भी है, इसलिए सभी धर्म के लोग आपस में भाईचारे से यह त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं, किसी भी प्रकार की शांति भंग ना हो। साथ ही श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा पारित आदेश को पढ़कर सुनाया और उपस्थित सभी लोगों को आदेश की एक प्रति भी उपलब्ध कराई। किसी भी प्रकार से डीजे बजाने की अनुमति नहीं है, किसी भी प्रकार की रैली और सभा की अनुमति नहीं है। यदि सभा रैली की जाती है तो उसकी नियमानुसार मंजूरी अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम प्राप्त करनी होगी, और वह भी कार्यक्रम के 72 घंटे पहले आप आवेदन प्रस्तुत करें पर विचार किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी के द्वारा अनुमति मिलने के बाद आप अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत के ऊपर डीजे के ऊपर भड़काऊ गाने, व्हाट्सएप, फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करना शांति भंग के दायरे में माना जाएगा। सभी समाज के लोग इस बात का पालन करें और सौहार्द पूर्वक शांति पूर्वक परशुराम जयंती एवं ईद का त्योहार मनाएं। इस अवसर पर नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा संजय परमार, विधायक प्रतिनिधि शेखर चंद पाटनी, सीएमओ माया राम सोलंकी, ओम खंडेलवाल, हाजी इनायत सेठ, अफजल भाई मंसूरी सदर सहित भाजपा एवं कांग्रेस के साथ सभी समाज के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। सर, आज सभी समाजों की मीटिंग आपने बुलाई थी, क्या संदेश आप जनता को देना चाहते हो? मीटिंग के अंदर क्या निर्णय हुए? आज अंजड़ थाने के द्वारा और अंजड़ पुलिस के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें आने वाले त्यौहार के जो आयोजन हैं, इसके अलावा समाज के जो गणमान्य नागरिक हैं, जो अंजड़ शहर के गणमान्य नागरिक हैं, उनको इस मीटिंग में हमारे द्वारा आमंत्रित किया गया था। और इस मीटिंग में प्रमुखतः ईद का जो त्यौहार आने वाला है, इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती आने वाली है, और इसके साथ ही परशुराम जयंती आने वाली है। इस संबंध में चर्चा की गई, आगे आने वाले त्योहारों पर किसी विशेष कार्यक्रम के होने के बारे में या नहीं करने के बारे में जो जनता से पूछना था, इनसे पूछना था आयोजकों से, उसके बारे में जानकारी ली गई। इसके अलावा माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो धारा 144 के आदेश के तहत जिले में डीजे के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है, इसके संबंध में भी सभी लोगों को जानकारी दी गई। आदेश की एक एक कॉपी हमारे द्वारा सभी गणमान्य नागरिकों को और आयोजकों को उपलब्ध कराई गई, और अनुमति लेने के लिए जो समय सीमा और अनुमति का जो प्रारूप है, जिसमें एक एफिडेविट भी देना है, इस बारे में भी जानकारी दी गई। खबर भारत वर्ष के लिए अंजड़ बड़वानी से रवि शिमले की रिपोर्ट। शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।